सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।
त्रिशूल चंद्रे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्ते। मयूर कुक्कुटवृते महाशक्ति दरेनगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्ते। शंखचक्र कदाचारं गृहीत परमाजुरे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्ते। गृहीतोग्र महाचक्रे दशोधृतमसुन्दरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्ते। नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्याधिपोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहित नारायणी नमस्ते। किरीटिणी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणी नमस्ते। शिवदूते स्वरूपेण हत दैत्या महाबले गौररूपे महारावे नारायणी नमस्ते। दशाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणी नमस्ते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टेश्वरे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्ते। मेदे सरस्वती वरे भूतिवाप्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते दैव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्ववीथिभ्यः कात्यायनी नमस्ते। ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु नो वीतिर्वज्रकाली नमस्ते। हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यराजग सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुतानिव असुरा शृङ्गवसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वल शुभाय खर्गो भवतु चण्डिके त्वां नदा वयम् रोगानशेषान्नपहन्ति तुष्टा दृष्टा तु कामान् सकलान्नभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एताकृतं जर्कदणां त्वयाद्य धर्माद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्ति कृत्वा मृगेतात् प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वातेषु वाक्येषु च कात्वरण्या मम त्वगतेति महान्धकारे विभ्रामयजेतरवीव विश्वम् रक्षासि यत्रोग्रविशाश्रनाग यत्रारयोदश्रुबलानि यत्र दावानलोजत्र तथाभिमध्ये तत्र श्रिदात्वं परिभासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिभासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेशपण्ड्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाजे त्वयि भक्ति नम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोर्वीते नित्यं यथा सुरभदा ददुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च मोहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामिले लोकानां भरता भव देव्योवाच वरदाहं सुरगणा परं जन्मनसे च
साम्प्रयत्वं प्रयच्छामि जगतामपकारकं देवाऊचु सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्व्याधिविनाशनम् देव्योवाच देवस्वयन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भसेवान्य उत्पत्स्यते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवात् तथा सौनाशरीचामि विन्ध्याचलनिवासने पुनरप्यतिरोत्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्याहनिष्यामि विप्रचित्तास्तु दानवान् भक्षयन्त्या च दानुग्रान् विप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्तापविश्यन्ति जाडिमे कुसुपोपमः ततो मां देवता स्वर्गे मृत्युलोके च मानवाः सुमन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्यामणामिष्टामणम्बसि मुनिमे संस्तुता भूमौ सम्प्रविष्यामि योनिजा तथा शरेण नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति मां तव ततोऽहमजलं लोकम् आतन्देह समुद्भवै भरिष्यामि सुराशाकै आवृष्टैः प्राणधारकै शाकम्भरीति विख्यातं तदा यास्यामयम्भुवि तत्रैव भविष्यामि दुर्गवाक्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षासि भक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोषन्त्या नम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोक्यमहावादं करिष्यति तदाहं रामरं रूपं कृत्वा सङ्गेय षट्फलं त्रैलोक्यस्य विकासाय भविष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मां लोकाः सदा स्तोष्यन्ति सर्वदा इत्थं यदा यदा वादा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वरीयाहं करिष्याम्यै संशय सभी धर्म प्रेमी भक्तजनों का माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के दरबार में हार्दिक अभिनंदन। इस समय माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की सायंकालीन आरती का पवित्र समय है। इस दिव्य गुफा के अंदर पूज्य पुजारी जी एवं विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रों से माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के पिंडी स्वरूप की षोडशोपचार विधि से पूजा की जा रही है। आप सभी धर्म प्रेमी भक्तजन माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर विद्वानों द्वारा विश्व कल्याणार्थ किए जा रहे श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण निहित है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से माँ भगवती के चरणों में बैठकर माँ भगवती की स्तुति करने का सत्संग करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। क्योंकि आरती के समय का बहुत बड़ा महत्व है, ऐसी मान्यता है कि माँ भगवती की आरती के समय समस्त देवतागण माँ भगवती की आरती में सम्मिलित होने के लिए माँ के चरणों में उपस्थित होकर करबद्ध स्तुति करते हैं और आरती के समय माँ भगवती के आशीर्वाद के साथ साथ हमें उन सभी देवी देवताओं का
आशीर्वाद भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। मां भगवती के चरणों में बैठकर हम जो स्तुतियां करते हैं, जो स्तोत्रों का पाठ होता है, उससे हमारे जीवन में परम शांति प्राप्त होती है। घर में किसी भी प्रकार की कोई कलह हो, वह इन स्तोत्रों के पाठ से दूर होती है, दुख दारिद्र्य का नाश होता है तथा परिवार में मां भगवती की अपार कृपा हम पर बनी रहती है। तो सभी शरणागत भक्त जनों से निवेदन है कि मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र पाठ का श्रवण करें। ध्यान ॐ विद्युत्तामसः प्रभा मृगपते स्कन्दस्थितां विषणां कन्यां विकरबालकेटविलसत् हस्ता विरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखा चापङ्गुणं तर्जने विप्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्राम्बले ॐ देव्युवाच मित्रं शोषते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयं मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्पदं शुम्भं शुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा श्रोषन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्योत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽर्था न चापदा भविष्यति न दारिद्र्यं न चेवेष्टविजोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानरतो योगा कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्मने तन्माहात्रं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा वक्त्या परं स्वस्थयनमेतत् उत्सर्गान् चेशास्तु महामारी समुद्भवान् तदा त्रिविधमुत्पातम् माहात्म्यं शमये मम यत्रेतत्पठते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वमने तच्चरितम् उच्चारं श्राव्यमेव च जानता जानता पापे बलिपूजां तथा कृतां प्रतिशिष्याम्यहं प्रीत्या बह्निहोमं तथा कृतं शर्वकाले महापूजा क्रियते जा च वार्षिके तस्यामनेतन्महात्वं श्रुत्वा भक्ति समन्विता सर्वाबाधा विनर्मुक्त धनधान्यासुधान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया श्रुत्वा ममेतन्महात्म्यं तदा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्वयः पुमान् रिपवः सञ्चयं जान्ति कल्याणं चोपबद्धते नन्दते च कुलं पुंसमाहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वर्णदर्शने गृहपीडासु शोक्रासु माहात्म्यं शृणुजान्मम उपसर्गः शमं जान्ति गृहपीडा च दारुणा दुःस्वप्नं च निवेदृष्टं सुस्वप्नम् उपजायते बालगृहविभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्गातवेदे श्रवीणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं वरं रक्षभूतपिशाचानां वरणादेवनाशनम् सर्वमेतन्महात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पाद्यधूपैश्च गन्धदीपैस्ततोत्तमैः
विप्राणां भजने हो मे प्रोचनीय रहस्यम् अन्ये च विविधैर्भोगे प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सस्मिन् सर्गेषु चरितेषु श्रुतम् हरति पापानि तदारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिवारणम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं भुञ्ज्वां न जायते युष्माभि तदयोजाच याच ब्रह्मकृता ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभामदि अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारिता दस्युभिर्वाविदा शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञाकृत्तेन जाज्ञप्त्यो बन्ध्यो भण्डगतोऽपि वा आगुर्णीतो वा पातेन स्थिता पोते मानवे पशु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाव्यापितोऽपि वा समर्ममेताचरितं नरमुच्चेत सङ्कटा मम प्रभावा सिंहाभ्य दस्युवो वैरिणस्तदा दूरादेव पलायन्ते समरतश्चरितमव ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्रैवातरीयत देवि देवानिरातङ्कः स्वाधिकाराञ्जसा पुरा यज्ञवागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतार्य दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवानिपोजुधि जगद विध्वंसनि तस्मिन् महोग्रेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाजुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तन्मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते साजाचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तैतत् सकलं ब्रह्माणं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेवसृष्टिर्भवत्यया करोति भूतानां सेवकाले सनातनि भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदाग्रे सेवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्बोधिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तुता ददातिभिस्तं पुत्रा च मदीं धर्मे गतिं शुभा अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिववाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् जीर्ण मन्त्र प्रभावेन चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचम् नारिकला स्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सूक्तम् नापि ध्यानम् च न न्यासो न च वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलम् लभेत् अतिगुह्यतरम् देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयमेव पार्वति मारणम् मोहनम् वशम् सम्बणो चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरिचे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरिचे ज्वल हं सं लं शं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दने नमः केतुहारिण्ये नमस्ते महिषार्दने नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातने जाग्रतमहि महादेवी जपं सिद्ध्यं कुरुष्वै ऐङ्कारि सृष्टिरूपाय ऋङ्कारि प्रतिपालिका लिङ्कारि कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डकाते च एकारि वरदायिनि नित्येषावयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणि दा दीं दूं दुर्जने पदने
भामी भूम्बागधीश्वरी ह्रां क्रीं क्रोंगालिका देवी शांतिं सोमेषु वन्दुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्ये जं 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 भरादिनी ह्रां ह्रीं ब्रूं भैरवी भद्रे भवाने ते नमो नमः अं कं चं तं तं पं जं छं वीं दुं एं वीं हं छं दिजाग्रं दिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां क्रीं क्रूं के चरे तदा स्वाहां सों सप्तपदी देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्वे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्र जागृति हेतवे अवक्तेनैव दातव्यम् गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु सुन्दिकया देवी हीनां सप्तशतीं पदे आतस्य जायते सिद्धिर् अरण्ये रोदनं यथा श्री दुर्गा आपद्दुधारास्तकम् नमस्ते शरण्ये शिवेशानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि कालि दुर्गे नमस्ते जगज्जन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्रयी दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयातस्य भीतस्य वदन्तो त्वमेकागतिर्देवि निस्तारकर्त्रि नमस्ते जगत्तारिणि त्रयी दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्कटे राजगे प्रवासि त्वमेकागतिर्देवि निस्तारयतु नमस्ते जगत्तारिणि त्रयी दुर्गे अपारे महादुस्तरे त्यन्तगोरे विपत्सागरे भजतां देहवाजां त्वमेकागतिर्देवि निस्तारलोका नमस्ते जगत्तारिणि त्रयी दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डलो चण्डलीला समुत्खण्डिता खण्डलाशेषशत्रो त्वमेकागतिर्विघ्नछन्दोऽत्रि नमस्ते जगत्तारिणि त्रयी दुर्गे त्वमेका सदा राधिका सत्यवादी रणेकाखिला क्रोदना क्रोदनिष्ठा इडा पिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते जगत्तारिणि त्रयी दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे देवनारे सदा सर्वसिद्धि प्रदाते स्वरूपे विभूते प्रदाकालरात्रिः स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्रयी दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याचराणां मुनिजनुजवराणां व्या
से शरण मेका देवी दुर्गे प्रसिद्ध श्री भगवती स्तोत्रम जय भगवती देवी नमः वरद जय पाप विनाशन बहुफल जय चुंबन चुंबक पार दर प्रणमामि तुझे विनराति हरे जय चंद्र दिवाकर सरस्वती वंदना Bhava Bhava Divajita Vinda
क्षमा प्रार्थना अपराध सर्वानि क्रियन्ते हरणिश मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जन पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि जगत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदं वेति चोदरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयासुरा सापराधोऽस्मि चरणं प्राप्तस्त्वां जगदं विगे इदानीमनुकं यथेशति तथा कुरु अज्ञानां विस्मृतेर्भ्रान्ता जन्योऽहमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्माता सच्चिदानन्द विग्रहे गृहाणामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि गुह्यादिगुह्यगोत्रीत्वं गृहाणामत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवि हे माई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों इस प्रकार हम सबने मां भगवती के चरणों में बैठकर माँ भगवती की स्तुति की पाठ किया। माँ भगवती से हम यही एक प्रार्थना करते हैं कि हे माँ हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ है इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें अज्ञानी बालक जानकर क्षमा दान दो। इस प्रकार का अपने मन में भाव करते हुए मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए सभी भक्तजन श्रद्धापूर्वक एक साथ हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार नाद करेंगे। सब मिलकर के बोलेंगे
खोल सांचे दरबार की। ओंकारम इंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। विद्वत जोगीजन कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति हेतु बिंदु से युक्त इस ओंकार शब्द का नित्य प्रति ध्यान करते हैं। सृष्टि के आदि एवं अंत में ओंकार शब्द का ही सर्वत्र गुंजायमान होता है। ओंकार में समस्त देवतागण विद्यमान रहते हैं। आ ऊ और मां के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश सदैव इसमें वास करते हैं। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मां भगवती की अपार कृपा से हमें आरती के समय मां के चरणों में बैठकर ध्यान करने का, स्तुति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मां भगवती जगजननी इस गुफा के अंदर तीन प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां की शरण में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को तीन प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें ज्ञान का दान देती हैं, हमारे मन में ज्ञान की ज्योति जगाती हैं। बिना शक्ति के हम इन संसार में किसी भी प्रकार का कोई कार्य करने में समर्थ नहीं होते और बिना धन के हमारा जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो जाता है और बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के हम संसार में अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते। इसके लिए हमें मां की शरण ग्रहण करनी पड़ती है और मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमें शक्ति दो ताकि हम दूसरों की सेवा सहायता करते हुए अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकें। हमारे जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी ना आए ताकि हम सत्कर्म करते हुए, यज्ञ दान करते हुए, दूसरों की उस धन से सेवा करते हुए अपने परिवार का सात्विक रीति से पालन पोषण करते हुए हम अपना जीवन यापन करें तो हमारा भी कल्याण होगा। और मां सरस्वती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमें ज्ञान दो, सद्बुद्धि दो ताकि हम संसार में बुरे कर्म ना करें और अपने कर्मों को बड़े सावधानी पूर्वक, जो कल्याण विश्व के कल्याण के लिए हो, सब समाज के कल्याण के लिए हो, हमारे परिवार के कल्याण के लिए हो, हमारी आत्मा के उद्धार के लिए हो, ऐसे कर्म जो है हम करते हुए अगर अपना जीवन यापन करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा और दूसरों। तो इस प्रकार शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिसके पास ज्ञान नहीं है
वह इस संसार में पशुओं के समान है। हमारे और पशुओं में यही एक अंतर है, बाकी सारे कर्म जो हैं जिस प्रकार हम करते हैं वैसे ही कर्म अन्य योनियों में जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सब वैसे ही कर्म करते हैं। हम भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। ये सारे कर्म जो हैं वह अन्य योनियों में जितने भी जीव हैं सब हमारे समान ही करते हैं, परंतु एक जो हमारे इस मनुष्य योनि में विशेषता है वह है ज्ञान की। ज्ञान के द्वारा ही हम अच्छे बुरे की पहचान करके सत्कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं, और अन्य योनियों में वह पशु पक्षी उनके पास समुचित ज्ञान न होने के कारण वह अपने कल्याण के लिए कोई नया कर्म नहीं कर सकते। वह केवल पूर्व कर्मों के कर्मों का जो भोग है, फल है, उसका भोग करते हैं। तो शास्त्रों में कहा है, जेशाम न विद्या तपो न धानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि जिस मनुष्य ने, जिस जीव ने मनुष्य योनि में जन्म लिया है और मनुष्य योनि में आकर भी उसने विद्या ग्रहण नहीं की, तप नहीं किया, दान नहीं दिया, ज्ञान अर्जित नहीं किया, जिसके पास ना कोई चरित्र है ना शील है, जिसके पास ना कोई गुण है और ना ही कभी कोई धर्म कर्म किया है, इस प्रकार का जो मनुष्य इस संसार में है वह इस पृथ्वी पर केवल बोझ मात्र है। क्योंकि मनुष्य योनि में भी आकर वह अगर विद्या, तप, दान, ज्ञान और अपने चरित्र को बरकरार नहीं रखता तो वह मनुष्य इस योनि में, इस पृथ्वी पर पशुओं के समान आचरण करता है। इसलिए हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है तो हम अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण कर सकें, अपने परिवार का पालन पोषण हम कर सकें, समाज में अच्छी व्यवस्था बनाकर अच्छा समाज के लिए जो हितकर हो ऐसे कर्म कर सकें, देश के लिए जो हितकर हो और जो अहितकर हो उसे ना करके जो सब मानव जाति समस्त जीव जंतुओं के कल्याण के लिए जो कर्म हैं उन कर्मों को करते हुए हमें जीवन यापन करना चाहिए। क्योंकि कर्मों का फल ही एक ऐसा है कि जो हमें जन्म जन्म अनेकों जन्म हमें इस आवागमन के चक्कर में फंसाता है और बार बार हमें जन्म ग्रहण करना पड़ता है। अवश्यमे भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम खीयते कर्म कोटि शतैरपि। चाहे हमारे करोड़ों जन्म ही क्यों न बीत जाएं, हमारे द्वारा कोई भी कर्म किया हुआ वह तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता जब तक हम उस कर्म का फल भोग न लेंगे। इसलिए माँ भगवती के चरणों में बैठकर हम सब माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, अपराध सहस्राणी क्रियन्ते अरिणिशम्मया दासोयमिति मामत्वा क्षमत्स्व परमेश्वरी। कि हे माँ, हमारे द्वारा दिन रात हजारों अपराध होते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे कर्म हो जाते हैं जाने अनजाने में,
कि जिनका हमें भास नहीं होता और उन कर्मों के फल को हमें भोगना पड़ता है। हे मां, इस समय हम आपकी शरण में आए हुए दास रूप में आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। हे मां, हमारे उन पाप कर्मों को क्षमा करते हुए हमें आशीर्वाद दो। आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरी। हे मां, हम आपका आवाहन करना नहीं जानते, आपका विसर्जन कैसे होता है वह हम नहीं जानते और ना ही पूजा किस प्रकार की जाती है ये विधि भी हम नहीं जानते। जो भी हमारे द्वारा टूटे फूटे शब्दों में आपकी स्तुति हुई है उसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हुए हमें आशीर्वाद दें, हमारा कल्याण करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। बिना मंत्रों के, बिना क्रिया के और बिना भक्ति के जो हमने आपकी स्तुति की है उसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो ताकि हम ज्ञान के द्वारा सत्कर्म करते हुए दूसरों का तथा अपना कल्याण कर सकें। अपराध शतम कृत्वा जगदम्बे इति चोचरेत याम गतिम संभापनोति नाताम ब्रह्मादया सुरा। कि हे मां, हमने साधु संतों से, अपने बड़े जनों से एक बात सुनी थी, उसी कारण हम आपकी शरण में आए हैं। वे कहते हैं कि जो भी जीव, जो भी मनुष्य इस संसार में आकर मां भगवती जगदम्बा के नाम का एक बार उच्चारण कर लेता है उसे आप वह गति प्रदान करती हैं जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए हे मां, अब हम आपकी शरण में हैं, हमारे पापों की ओर ध्यान न देते हुए हे मां उन्हें क्षमा करके और हमें अपना आशीर्वाद दो। सापराधो अस्मि शरणम प्राप्तस्त्वाम जगदम्बिके इदानी मनुकंप्योहम यथेच्छसि तथा करु। हे मां, हमारे द्वारा जो भी किए गए कर्म हैं, जो पाप कर्म हैं, वह अक्षम्य है, वह क्षमा करने योग्य नहीं है, परंतु हमें पूरा विश्वास है कि जब भी हम आपकी शरण में आते हैं तो हम निर्मल मन के द्वारा जब आपकी स्तुति करते हैं, आपके नामों का उच्चारण करते हैं तो हमारे पाप आप क्षमा करते हुए हमें हमारी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करती हैं। ये हमें पूरा विश्वास है, इसी कारण हम आपकी शरण में आए हैं। अज्ञानाद् स्मृतेर्भ्रांत्या यन् न्यूनम् अधिकम् कृतम् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देवी प्रसीद परमेश्वरी। हे मां, आपकी स्तुति करते हुए जो भी जाने अनजाने में उसमें किसी भी प्रकार की हमारे द्वारा अगर त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करते हुए हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करो। कामेश्वरी जगन माता सचिदानंद विग्रहे गृहानार्चा इमाम प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। हे मां जगजननी, हे कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामेश्वरी सचिदानंद स्वरूप मां भगवती, हमारे द्वारा जो भी स्तुति की गई है उसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो, ग्रहण करो और हमें अपने आशीर्वाद से कृतकृत्य करो। गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं
सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। आप गुप्त से गुप्त रहस्य को भी जानती हैं और हमारे मन में क्या बात है जे आप भली भांति जानती हैं, आपको बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम किस कामना को लेकर, किस उद्देश्य को लेकर आपकी शरण में आए हैं, हे मां, उस उद्देश्य की पूर्ति आप अवश्य ही करेंगी, ऐसा हमें विश्वास है। और हमारे जितने भी पाप हैं उन्हें दूर करते हुए, उन्हें क्षमा करते हुए हमें अपने आशीर्वाद से कृतकृत्य करेंगी। मत समापात की नास्ति पापगणी तुत समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा करूं। हे मां, हमारे समान इस संसार में दूसरा कोई पापी नहीं है और आपके समान हमारे उन पापों का नाश करने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप जैसा उचित समझें वैसा हमारे साथ व्यवहार करें, हम आपके दास हैं, आपकी शरण में आए हुए हैं। हे शरणागत वत्सला माँ भगवती, हमारा बारंबार आपको नमस्कार है, प्रणाम है। इस प्रकार माँ भगवती से हम स्तुति करते हुए माँ से प्रार्थना करते हैं। माँ भगवती बड़ी ही करुणामयी हैं, वे ऐसे ऐसे दुष्टों का भी कल्याण कर देती हैं, उनके भी अपराधों को क्षमा कर देती हैं, यहां तक कि भैरव भावा जब उनका पीछा कर रहा था तो उस समय अंत में जब वह दुष्ट अपनी दुष्टता से जहां पर आकर मां के भक्तों से युद्ध करने लगा, हनुमान जी से भैरव का जब युद्ध हुआ तो उसके बाद मां भगवती ने देखा कि जे दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा, तो उस समय मां भगवती ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। और जब वह भैरव मां भगवती से कहने लगा, हे मां भगवती मुझे क्षमा करो, मेरे अपराधों को क्षमा करो, मैं आपकी शक्ति को नहीं जान पाया, मैं इस समय आपकी शरण में हूं, तो उस समय मां भगवती ने उसके सारे अपराध क्षमा करते हुए उसे आशीर्वाद भी दिया और वर भी दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शनों के उपरांत तेरे दर्शन करेगा तो उसकी सब मनोकामनाएं जो हैं वह अवश्य ही पूर्ण होंगी। तो इस प्रकार मां जब इतने बड़े अपराधी के अपराधों को भी क्षमा कर सकती हैं, तो हम मां की शरण में आए हैं तो हमारे अपराधों को वह अवश्य ही क्षमा करेंगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तो इस समय मां भगवती की आरती का समय है, भजनों की बेला है, तो सभी भक्त मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए मां के भजनों में साथ देंगे, बड़े प्रेम से मां भगवती के भजनों के द्वारा मां को हम प्रसन्न करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं श्री मनिंदर जी से, वह अपना एक भजन मां के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। श्री मनिंदर जी, जय करा शिरवर जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। मेहरबानिया माए मेहरबानिया, मेहरबानिया माए मेहरबानिया, मेहरबानिया मेहरबानिया, 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 ओ मेहरबानिया।
से हमेशा कर मेहरबानियां बख्शी दे आलो के मेहरबानियां ओ मेहरबानियां हमारे मेहरबानियां मेहरबानियां माय मेहरबानियां मेहरबानियां माय मेहरबानियां ओ मेहरबानियां माय मेहरबानियां मां साडे से हमेशा कर मेहरबानियां बख्शी दे आलो के मेहरबानियां ओ साडे से हमेशा कर मेहरबानियां हमेशा कर मेहरबानियां बख्शी दयालो के मेहरबानियां हमेशा कर मेहरबानियां बख्शी दयालो के मेहरबानियां
श्री सुरेश जी से मैं अपना एक भजन माँ के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। श्री सुरेश जी जय करा मेरी शेरावली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। तू दाती मदता वंडे तेरे चरनी खड़ा सवाली खाली सामा मैं लेके आया नीमा मेरा अज भी पलड़ा खाली नीमा मेरा अज भी पलड़ा खाली शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी इस बचड़े से ममता दी करी तेरे दरिया माया के सिर चुकावा तेरे प्यार दादी कोई न किनारा एक तेरा ही सहारा मैं पवड़ा च रख सेवादार दासी पवड़ा च रख सेवादार दासी शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी इस बचड़े ते जा तेरे दरिया माके सिर चुका माते प्यार दाते कोई नगी न रही तेरा ही सहारा मैं पवना च रख सेवादार दाते पवना च रख सेवादार दाते शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली ममता दी करी इस बचड़े ते छा दाती मैं नाम तेरे रंग विच रंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना तेरे उते हाथ होवे होर
हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना सिर उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना मैं टूट के अतर जीवे अंबरा चो तारा ला दे पर दाती कोई न किनारा ममता दी करी इस बछड़े ते छा ममता दी करी इस बछड़े ते छा तेरे दरिया मे सिर नू झुकावा दे प्यार दाती कोई न किनारा इक तेरा ही सहारा मैनू पवना च रख सेवादार दाती पवना च रख सेवादार दाती शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी इस बछड़े ते छा पवन च रख कर देवी उपकार माँ अख च ना हंजू आवे ना देवी प्यार माँ अख च ना हंजू आवे ना देवी प्यार माँ अख च ना हंजू आवे ना देवी प्यार माँ पवन च रख कर देवी उपकार माँ अख च ना हंजू आवे ना देवी प्यार माँ अख च ना हंजू आवे ना देवी प्यार माँ अख च ना हंजू आवे ना देवी प्यार माँ जग वेख ले सारा मन वेखना नजारा ले जा द्वार दाती कोई न किनारा ही तेरा ही सहारा मैं पवना च रख सेवादार दाती पवना च रख सेवादार दाती शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी इस बछड़े ते छा ममता दी करी इस बछड़े ते छा तेरे दरिया माया के सिर नू झुकावा दे प्यार दाती रहो कोई न किनारा इक तेरा ही सहारा मन पवना च रख सेवादार दाती पवना च रख सेवादार दाती ममता दी करी इस बछड़े छा असा तेरे चरणी प्रीतम पाया सखिया कर दे उड़ी कमाए थक गईया अखियां कर के उड़ी कमाए थक गईया अखियां कर के उड़ी कमाए थक गईया अखियां असा तेरे चरणी प्रीतम पाया सखिया कर दे उड़ी कमाए थक गईया अखियां कर के उड़ी कमाए थक गईया अखियां कर के उड़ी कमाए थक गईया हो तुझे प्यार दा हुलारा तेरा लाल मैं प्यारा ना विसार दाती कोई न किनारा इक तेरा ही सहारा मैं पवना च रख सेवादार दाती शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी इस बछड़े ते छा ममता दी करी इस बछड़े ते छा तेरे दरिया माया के सिर नू झुकावा दे प्यार दाती कोई न किनारा इक तेरा ही सहारा रख सेवादार दाती पवना च रख सेवादार दाती शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी इस बछड़े ते छा ममता दी करी इस बछड़े ते छा
तो सहरे खुशी से
अपने किए की मौत भी हो तो चहले खुशी से मन का विश्वास कमजोर हो
ಗಣಾಧಿಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ್ತ ಜಂಬೋ ಫಲಚಾರುರ್ಭಕ್ಷಣ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕಾರಕಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ ತ್ವಂ ವೈಷ್ಣವೀ ಶಕ್ತಿರಣಂತ ವೀರ್ಯಾ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಬೀಜಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಯಾ ಸಂಮೋಹಿತಂ ದೇವಿ ಸಮಸ್ತಮೇತ ತ್ವಂ ವೈ ಪ್ರಸನ್ನ ಭುವಿ ಮುಕ್ತಿ ಹೇತು ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಂಗಲೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರೀ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ. हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्त जनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर हम सब ने बड़े आनंद के साथ श्रद्धा पूर्वक मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया, सत्संग किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जे स्तुति पाठ जे सत्संग, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते हुए हमें अपना आशीर्वाद दो। मां भगवती की ओर से आप सब भक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संततिवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरिभूति करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव वैरि दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभोर भव पाद पूजन रता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सबला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां उदयस्तव। मां भगवती आप सब भक्तों की दीर्घायु करें, आप संतान से युक्त हों, लक्ष्मी की सदैव आपकर कृपा बनी रहे, आप यशस्वी बने, विद्वान बने, अनेक प्रकार की दान पुण्य करने में आपकी सामर्थ्य बनी रहे, आप तेजस्वी बने, आपके शत्रुओं का नाश हो तथा दिन प्रतिदिन उन्नति को अग्रसर हो, और मां भगवती आप सब भक्तों के ऊपर सदैव इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखे, आपका कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो। मां भगवती सदैव अपना भरदत्त आप सब भक्तों के ऊपर सदैव बनाए रखे। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस समय मां भगवती की आरती की वेला है, सभी भक्तजन बड़े प्रेम से श्रद्धा पूर्वक मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए मां की आरती गाएंगे, सब मिलकर के बोलेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय आनंद करनी तुमको विश्व दिन ध्यावत मैया जी
सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
namastase 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 namo namah namastase namo namah ya devi sarva bhuteshu ya devi sarva bhuteshu shakti rupena sansita shakti rupena sansita namastase 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 namo namah namastase namo namah ya devi sarva bhuteshu ya devi sarva bhuteshu shanti rupena sansita shanti rupena sansita namastase 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 namo namah namastase namo namah ya devi sarva bhuteshu ya devi sarva bhuteshu matre rupena sansita matre rupena sansita namastase 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 namo namah namastase namo namah bol sanche darbar ki jai hey mai meri sachiya jota wali mata teri sada hi jai तो धर्म प्रेमी भक्तजनों इस समय परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके गुफा के द्वार पर पधार चुके हैं। इस दिव्य गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी, शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती की वंदना करेंगे। तब तक माँ भगवती के नाम का संकीर्तन करेंगे, बड़े प्रेम से सब मिलकर के बोलेंगे, माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए सब मिलकर के बोलेंगे। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, फेरा वाली जय माता दी, बाड़ा वाली जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, चोलिया वाली जय माता दी, चुड़िया वाली जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, महाकाली जय माता दी, छप्पर वाली जय माता दी, भक्ति दिंदे जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, गरुड़ सवारी जय माता दी, परे खजाने जय माता दी, कोलायाने जय माता दी, सरस्वती माँ जय माता दी, हंस सवारी जय माता दी, विद्या दिंदे जय माता दी, ज्ञान दिंदे जय माता दी, भक्ति दिंदे जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, फेरा वाली जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, 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 बोल सांचे दरबार की जय। सभी भक्तजन माँ भगवती के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर के बोलेंगे, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, जशो देहि दिशो जहि, जशो देहि दिशो जहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्, ॐ शान्तिः शान्तिः, ॐ शान्तिः शान्तिः, ॐ शान्तिः शान्तिः। तो सभी भक्तजन शांतिपूर्वक बैठकर माँ भगवती की आरती का आनंद लेंगे। अब परम पूज्य पुजारी जी आरती आरंभ करते हैं। जय माता की। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय तिमरा शारदा, मेरे कार्य कर हमेश, जय मां आनंदे आनंद करो, कल्याणी कल्याण, मैया के
पहर जो सकड़ी जो चरना दा जान जय Shiva Ram Madhavam Shiva Balham Janaki Naikam Shiva Ram
सबकी मनोकामना पूरी हो। जकारा शरण वाली दा वो सच्चे दरबार की जय।